नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे, बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव अब तय समय पर नहीं होगा। चुनाव को लेकर सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर हुए मतभेद का एक लंबा समय निकल गया। फिर जब दोनों के बीच में सहमति बनी तो उसके बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। इसके बाद चुनाव को रोक दिया गया और अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो प्रदेश में बरसात का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर से सितंबर के बीच में बिहार में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश में एमडू मॉडल से प्रदेश में चुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में अब इस फंड की निगरानी के लिए भी अब एक मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। अब गांव के विकास की नियमित सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों पर ऑनलाइन ऑडिट होगा। यह निगरानी प्रणाली देश के 100% ग्राम पंचायतों पर लागू की जाएगी। गांव के सभी कार्य निर्धारित ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत कराए जा सकेंगे, उसी के अनुरूप खर्च भी किया जा सकेगा। इसके निचले स्तर पर कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों व सचिवों को मनमानी पर रोक लगानी तय है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसे सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। केंद्र द्वारा राज्यों की ढेर सारी योजनाओं की ज्यादातर धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों के बैंकों के खाते में पहुंचती है। केंद्र द्वारा राज्य के वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही ग्राम पंचायतों को काफी धन प्राप्त होने लगा है। पंचायतों के खर्च को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने पहले सभी पंचायतों से अपने ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराई है। देश के 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 31 लाख से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित हैं। इसमें 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं। केंद्रीय ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर ने गाइडलाइन जारी करने के बाद कहा कि ग्राम पंचायतों के कामकाज और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। इससे पंचायतों की साख व प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विकास के कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास धन की कोई कमी नहीं है, कामकाज के साथ पंचायतों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। पंचायतों की आत्मनिर्भरता से ही देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। देश के 14 राज्यों की 20% ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षण का कार्य ऑनलाइन हो चुका है, जिसे बढ़ाकर 100% करना है। देश को बुनियादी स्तर पर मजबूत बनाने में ग्राम पंचायतों की सबसे बड़ी भूमिका है। तोमर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.03 लाख करोड़ की राशि प्रदान करने की सिफारिश की थी। राजद सरकार ने इसे मंजूर करते हुए पंचायतों को भेज दिया है। पिछले 5 सालों के दौरान इसका 97% हिस्सा गांव के प्राप्त हो चुका है। 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जिसे सरकार ने मंजूर कर दिया है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि पंचायतों में होने वाले खर्च पर अब केंद्र सरकार निगरानी करेगी। इससे यह साफ हो गया है कि पंचायतों में मुखिया और सचिवों की मनमानी अब नहीं चलेगी। तो ये थी पंचायतों को लेकर एक अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।